पर साकिब भाई कीमा चावल खाते हुए पकड़े गए, वैसे तो वो कुत्तों को खिलाते हैं। ये सैन बर्नार्ड है। क्या डिमांड कर रहे हैं इनके? है ये पाइथन ब्रीड कौन सी है? ये गोल्डन पाइथन खिलाता है। के भेज देते हैं जनाब, जैसे कैमरा ऑन किया है तो भाग गए। आप लोग देख सकते हैं ये सिंह का मुर्गा खिलाता है। नस्ल कौन सी है? ये क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? 3000 रुपये मेल फीमेल के दोनों को जोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। जुनेद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स एक बार फिर हम सदर मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे हम मुख्तलिफ मार्केट का सर्वे करते हैं। अभी हम सबसे पहले डॉग मार्केट का सर्वे करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जनाब कौन कौन सी ब्रीड मार्केट में मौजूद है। आप तमाम व्यूवर्स को एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी ब्रीड आती हैं जो क्रॉस ब्रीड होती हैं और जो समझ में ना आने वाली ब्रीड होती हैं, क्योंकि उनका कोई वो बन ही नहीं रहा होता, लिंक कोई ब्लड लाइन नहीं होती। लेकिन कभी कभी यहाँ पर इत्तफाकन अच्छी ब्रीड के कुत्ते भी आते हैं, पेडिग्रीड भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो कवरेज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप तमाम व्यूवर्स को दिखाया जा सके कि मार्केट की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे कौन कौन से डॉग्स आए हैं और उनके क्या प्राइस हैं। तो आइए मार्केट को विज़िट करते हैं, देखते हैं आज इस मार्केट में कौन कौन से डॉग देखने को मिलते हैं और उनके क्या प्राइस है। तो आइए विज़िट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स साकिब भाई कीमा चावल खाते हुए पकड़े गए, वैसे तो वो कुत्तों को खिलाते हैं, ये आप देख लेते हैं कि खुद भी कैसे खा रहे हैं। साकिब भाई कीमा चावल खा रहे हैं, खैरियत से? तो व्यूवर्स आज फाइनली साकिब भाई को कीमा चावल खाते हुए पकड़ ही लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीमा चावल खा रहे थे? कीमा चावल तो मैं कुत्तों को खिलाता हूँ भाई, मैं थोड़ी खाता हूँ। अच्छा ये बताएं आज कौन सी ब्रीड लाएं? खा रहा था मैं। अच्छा व्यूवर्स के लिए कौन सी ब्रीड लाएं? ये पिगनिस है, 7 से 8 महीने का बच्चा है ये। क्या डिमांड है इसकी? आज ही लिया यार, मैं तो खाली याद आया था। ये 35,000 रुपये का है। 35,000 साथ साथ मैंने, बिल्कुल फ्रेंडली खेलने कूदने वाला बच्चा है ये। अच्छा क्रॉस ब्रीड है? नहीं नहीं ओरिजिनल है यार, थाईलैंड से इंपोर्ट हुआ हुआ है। वो पेडिग्री हुआ फिर? नहीं पेडिग्री है लेकिन पेपर कहाँ देते हैं लोग यार। अच्छा पता नहीं क्या ये अक्सर यही होता है। तो 35,000 रुपये इसकी डिमांड बता रहे हैं। फाइनल व्यूवर्स के लिए क्या डिस्काउंट होगा इसमें, कॉपरेट क्या हो जाएगी? या फाइनल 30 तक हो जाएगा, चलो 30-32-30। अच्छा ये आपने आज लिया है तो ये बताएं कि इसकी डाइट क्या होगी? डाइट में तो बोल, उनसे मैंने पूछा था क्या खाता है, बोलो जो दिल चाहे खिलाओ, कोई मसले सब खाता है। कीमा चावल खा लेगा फिर इंशाल्लाह, खाएगा क्यों नहीं खाएगा। अच्छा तो ये बताएं कि अगर मेरे पास गया तो, वैसे तो यहाँ पार्टियाँ लगी हुई 2-3, यहीं बिक जाएगा, अगर नहीं बिका तो घर आके फिर जो दूसरों को तो खिला दो इसको भी। इसको छोड़िएगा थोड़ा सा नीचे। अच्छा ये फुल हाइट है ना इसकी? हाँ ये फुल हाइट है, फुल हाइट है, इतना ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं होगा। और फाइनल तो साफ सुथरा ना, इस वजह से गोद में रखा उठा के। डिमांड इसकी बताइए 35,000 रुपये, फाइनल 30 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। 30 तक हो जाएगा। ये वो ब्रीड है जो ढूंढने से भी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं ये, बहुत कम है पाकिस्तान में। पूडल्स वगैरह नहीं आ रहे आज तो फिलहाल? मुझे क्रॉस ही लग रहा है ये। नहीं नहीं क्रॉस नहीं है। अच्छा बच्चा, अगर क्रॉस होता ना इस पंच इसका इतना अच्छा नहीं होता। फेस देखें इसका, हाँ मेल है। ठीक है साकिब, अपने नाम बता दें और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। मोहम्मद साकिब खान नाम है मेरा, 03122912531। ठीक है आज मार्केट की सूरत हाल देख रहा हूँ मैं, कुछ ठंडी हो गई है, बारिश ये बारिश हो गई तो बंदे ठंडे हो गए, मौसम भी ठंडा हो गया। बहुत शुक्रिया जदा। ओके तो व्यूवर्स यहाँ पे पपी नज़र आए, इनके मुताबिक बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद। ये कौन सी ब्रीड के पपी है? ये सैन बर्नार्ड है। तो क्या डिमांड कर रहे हैं इनके? 15,000 रुपये की जोड़ी है। 15,000 का पेयर है ये जी। अच्छा ये दोनों मेल फीमेल है या दोनों? ये मेल फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। अच्छा ये बताएं कि ये अभी क्या एज है इनकी? दो महीने। दो दो महीने जी। तो ये मदर फीड से हट गए? मदर फीड से हट गए, बॉयल चिकन, सरल एग, दूध डबरूडी। अच्छा खाते हैं। तो अभी आप इनको घर में यही खिला रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं घर में यही खिलाएगा। अच्छा ये बताएं कि ये मुझे क्रॉस लग रहे हैं। नहीं सर क्रॉस ब्रीड नहीं है। क्रॉस ब्रीड नहीं है ये, प्योर है? प्योर है, ये ग्वादर वाली ब्रीड है। अच्छा वैसे अगवान कुछ आते हैं ऐसे? सर ये अगवान कुछ ही नहीं है, अगवान कुछ ही भी इसी शक्ल के होते हैं, उनकी चोंच होती है। ठीक है ठीक है, इसकी इनकी चोंच नहीं है, इनके डोल फेज है। आप इसको बेहतर तौर पर डोल फेज है, डोल फेज है इनके। तो फाइनल डिमांड क्या होगी दोनों की? 12,000 रुपये फाइनल होंगे जी। जी वैक्सीनेशन हुई हुई इनके? वैक्सीनेशन हुई हुई इनकी, हुई हुई है। पैदाइशी टीके लगे? पैदाइशी टीके लगे हुए हैं। 3 महीने बाद इनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी। अच्छा अभी वैक्सीनेशन कार्ड नहीं बनाया? जी अभी वैक्सीनेशन कार्ड नहीं बना। ठीक है तो अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें और फाइनल डिमांड बता दें। फाइनल डिमांड 12,000 रुपये इसकी, एक की 6,000 रुपये। ठीक है मेरा नाम है शहजाद, 03172082।
1832। चले बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है हजरत आपका? काशिफ। ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? ये बुली है, बुली ताजी। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये क्रॉस ब्रीड है ये? नहीं नहीं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है? हाँ। अच्छा, ये घर की ब्रीड है आपके? जी, घर पे निकलवाई है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी क्या खिला रहे हैं, डाइट क्या है इसकी? ये उबला हुआ गोश्त खाता है, यानी कि चुस्ते खाता है, मुर्गी के सर खाता है, कलेजी खाता है उबली हुई। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि फाइनल डिमांड क्या होगी इसकी, वैक्सीनेशन होगी और? जी हैं। हाँ, फाइनल डिमांड क्या दें? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में? एज क्या है इसकी अभी? 8 महीने। 8 महीने की एज बता रहे हैं, 8,000 रुपये इसकी फाइनल डिमांड बता रहे हैं। अपना नाम बता दें। काशिफ। कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। 03-18-1015-165। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक अगवान कुछ ही नज़र आया, इसके मुतालिक भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद। अच्छा, ये बताओ कौन सी ब्रीड है ये? अगवान कुची। ओरिजिनल है? जी। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? 20,000। 20,000। और ये जो आपके हाथ में पपी है, ये क्या है? ये पॉइंटर है। पॉइंटर है ये? जी। प्योर पॉइंटर है या क्रॉस है ये? क्रॉस है ये। क्रॉस है ये? क्रॉस ब्रीड पॉइंटर की क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 5,000। अभी एज क्या है, कितने महीने का है? 1 महीने का। 1 महीने अभी से पता चल गया इसके मुतालिक बात हो रही है। जी। अच्छा, ये बताएं ये डॉग कितने में देंगे फाइनल? मेल है ये? ये फीमेल है। फीमेल है। फाइनल डिमांड क्या होगी? 18,000। 18,000 रुपये फाइनल डिमांड बता रहे हैं। अगवान कुची की ज़्यादा डिमांड नहीं बता रहे आप? बस भाई, जितने का मैंने लिया उसके मुताबिक बता रहा हूँ आपको। मुझे 15 का पड़ा था, तो इस वजह से मैंने 18 बताया। अब कब लिया था ये आपने? मैंने 1 महीना हो गया लिया हुआ। वैक्सीनेशन हुई हुई इसकी? इसकी दो मैंने इंजेक्शन लगाया, उन्होंने मुझे बताया था नहीं हुआ, अभी दो रहते। तो वैक्सीन कार्ड है आपके पास इसका? जी है। ठीक है जी, लगवा जी, घर पे पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा कि फाइनल कितने तक में दे देंगे? फाइनल चलो मैंने 15 में लिए, 15 में छोड़ दूंगा, यही हो सकता है। 15 ही इसकी फाइनल डिमांड बता रहे हैं व्यूवर्स। और एज क्या है इसके अभी? 7 महीने। 7 महीने अभी 8वां महीना बल्कि शुरू है। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, नाम बता दें। नाम है मोहम्मद दाऊद और कॉन्टैक्ट नंबर है 03-48-95-4-3-3-4-1। चलें, जजाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, ये ब्रीड मौजूद थी डॉग की, जो आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर कर दी। मार्केट में ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि पब्लिक बहुत कम आई है, कम मकदार में लोग निकले हैं, क्योंकि बारिशों के बाद कराची में जो ज़बरदस्त बारिश हुई है उसके बाद मार्केट की ये सूरत हाल है। थोड़ी बहुत यहाँ पे दुकानें वगैरह खुलना शुरू हो गई हैं, लोगों का आमदोरफ़्त बढ़ा है। तो अब हम जो मार्केट है, बर्ड्स मार्केट, इसकी तरफ रुख करेंगे और यहाँ पर देखेंगे काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये भी बता दूं आप तमाम व्यूवर्स को कि लालू खेत बर्ड्स मार्केट बंद है वहाँ पे, तो वहाँ के भी लोग यहाँ पे आते हैं, सदर को अप्रोच करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे बर्ड्स मार्केट की क्या सूरत हाल है। तो आइए विज़िट करते हैं। तो व्यूवर्स, सदर मार्केट में हमें यहाँ पे ये जनाब नज़र आए जो सांप लेके घूम रहे हैं, ये पाइथन है, तो इसके मुतालिक बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैद अहमद अत्तारी। जी जनाब, ये बताएँ कि कौन सा है ये पाइथन, ब्रीड कौन सी है ये? ये गोल्डन पाइथन कहलाता है। अच्छा, तो इसमें 3 कलर आते हैं, गोल्डन पाइथन, एक ब्लैक पाइथन और सिल्वर पाइथन आता है। एज क्या है इसके अभी? ये अभी कुछ 1 साल 6 महीने का है। 1 साल 6 महीने का है। तो इसको आप डाइट क्या दे रहे हैं? इसको मैं मुर्गी और गोश्त, मुर्गी का गोश्त, मुर्गी और गोश्त खा लेता है। खा लेता। तो और डिमांड क्या है इसकी? इसके मैंने 8,000 मांग रहा हूँ। 8,000 मांगे, तो लेंथ दिखा देते हैं इसकी। तो व्यूवर्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इस सांप की लेंथ है, 8,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो आपने प्राइस बताई है, इसमें कुछ कॉपरेट होगा? गार्डन वाले ने मुझे साथ लगाए, मैं खुद 1,000 रख के कमा रहा हूँ इस पर। अच्छा, तो यानी कि आप ये 8,000 रुपये फाइनल डिमांड है इसकी डिमांड। और इसके अलावा थोड़ा गाइड कर दें इसकी डाइट के मुताबिक, या इसको वाटर वगैरह किस तरह? वाटर वगैरह तो ये इसको कटोरा भर के रखो, खुद वाटर में जाएगा, खुद ही पिएगा, उसी में रहता है ये। दूध वूध तो नहीं देते ना? नहीं, फ्रूट का ये नहीं खाता। नहीं, दूध वगैरह? दूध वगैरह नहीं, ये बच्चा है थोड़ी, दांत थे इसके भी माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं ये आप कहाँ से लाएं, और अगर कोई कोई और स्नेक की डिमांड करता तो रिसोर्सेज क्या हैं आपके मंगवा के दे सकते हैं? जिस तरह के आते हैं टोकरे वाले सांप वगैरह लेके आते हैं, उनसे मैं सेल कर लेता हूँ। अच्छा, सही है, उनसे लेके मैं इनको पालता हूँ, जब मेरा शौक बढ़ जाता है मैं इसको सेल करने निकलता हूँ। तो अगर कोई और किसी स्नेक की डिमांड करे तो आप पूरी कर सकते हैं? नहीं, अगर मेरे पास होगा तो मैं डिमांड पूरी। अभी हैं आपके पास? और अभी मेरे पास गोल्डन सिल्वर पड़ा हुआ है और एक पाइथन पड़ा हुआ ब्लैक। अच्छा, एक कोबरा है और एक पाइथन है। एक कोबरा और एक पाइथन और पड़ा हुआ है सिल्वर में? सिल्वर में। ठीक है, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। मेरा 03-00-33-23
19652। नाम मेंशन कर दें। जुनेद। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आए, काले तीतर के बच्चे बोल के भेज देते हैं, जनाब जैसे ही कैमरा ऑन किया है तो भाग गए। आप लोग देख सकते हैं काले तीतर के बच्चे कह के ये बेचते हैं, और ये जबकि होते हैं गिनी फॉल के बेबीज हैं। इसके हेड को कलर ऐसे करते हैं कि ये पता ना चले, और काफ़ी लोग ये काले तीतर के बच्चे समझ के ले जाते हैं, और ये दो दो तीन तीन हज़ार रुपये के ये बच्चे भेज देते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे असील मुर्गे नज़र आए हैं, तो इस सेक्शन को भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं जो अच्छे मुर्गे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं ये कौन सा मुर्गा है? ये सिंध का मुर्गा कहलाता है। नस्ल कौन सी है? ये खाकी नस्ल है, असील नस्ल है, लड़ाई वाली। क्या एज क्या है इसकी, उम्र क्या है? इसकी उम्र है सर 1.5 साल। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 4000 रुपये। 4000 रुपये डिमांड कर। दो दफ़ा विन है ये। दो दफ़ा लड़ाई विन किया हुआ है? विन किया हुआ है। तो लड़ाते हैं आप? जी। अच्छा, अभी अभी ये बारिशों की वजह से, जगह ना होने की वजह से इसको सेल आउट कर रहे हैं। क्या वेट क्या होगा इसका? सर इसका वेट होगा कम से कम 2.5-3 किलो का वेट होगा। ठीक है, तो ये बताएं फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल बस 100-200 रुपये कम कर देंगे बस। 4000 ज़्यादा नहीं है इस मुर्गे के लिए? सर मैंने 10000 का मैंने लिया था ये। अच्छा, जब ये पट्ठा था 10000 का मैंने लिया था ये। दो दफ़ा विन हुआ, मेरे पैसे कवर हो गए। अच्छा, अब जो शौकीन भाई ले जाएगा या बच्चे कराए इसके, या इसको लड़वाए, ये अभी भी लड़ता है, तो फाइनल 4000 में 200-300 रुपये कम हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ये भी कोई शौकीन बंदा ले। 3000 में नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, चले अपना नाम बता दें। सईद हसन शाह। कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। 0316-23-32-154। चले बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? हाँ शुक्र है। क्या नाम है आपका? मैं नेवी का रिटायर हूँ। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर शारिक आलम। अच्छा, ये मुर्गे लेकर आए मैं आज मार्केट ये में। मुर्गे लेके आया हूँ, एक कोई पकड़ के ले गया था तो मैंने बोला इनको दे दो, फिर मार्केट में भी और भी हैं, बाकी ये मैंने निकालनी है। अच्छा, तो क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? ये 3000 रुपये मेल फीमेल के दोनों को जोड़ेगा। पेयर के 3000 रुपये बता रहे हैं? अच्छा, ये अंडे वगैरह दे रही है? अंडे दे रही है। अंडे दे रही है जी हाँ। तो 3000 में पेयर देना है या कुछ गुंजाइश? कम देगा दे दूंगा, नहीं तो घर ले जाऊंगा भाई। तो पता है कौन सी नस्ल है? ये जापानी नस्ल है, जापानी बैंडम है। तो 3000 रुपये पेयर बता रहे हैं ये बड़े साहब, और जापानी बैंडम इसकी ब्रीड बता रहे हैं, और अंडे दे रही है मुर्गा? अंडे दे रही है। इसके अलावा भी मौजूद हैं आपके पास? और बहुत है, मैं पूरा फार्म है, हर चीज़ का, हर जानवर है, तोते चुड़ियाँ कबूतर मुर्गी सब हैं। फिर तो विज़िट करना पड़ेगा वहाँ पे। गया तो एक हैं जी, मैंने कहा फिर तो विज़िट करना पड़ेगा एक दफ़ा। नहीं नहीं, मैं ये पहली दफ़ा इधर लेके आया हूँ। चलें बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि फाइनल कितने तक में दे देंगे? 2000 में दे देंगे? हाँ दे दूँगा, 2000 भी देगा मैं दे दूँगा, क्योंकि मैंने तो जान छुड़ानी है इनसे। चले अपना नाम बता दें। मेरा नाम शारिक आलम है। शारिक आलम, शारिक SHARIQ। नाम, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, फ़ोन नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर मुझे ज़बानी याद नहीं है, ना मुझे मोबाइल मिलाना आता है। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर बात बताने के लिए कोई बात नहीं, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरा आंसर रिटायर हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये मुर्गे खूबसूरत नज़र आई है हमें, तो इसके मुताबिक पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। ये बताएं क्या डिमांड कर रहे हैं इस मुर्गे? यार इसकी तक वैसे तो देखा जाए कि तकरीबन 6-7000 रुपये की मुर्गी है, लेकिन ये मार्केट के हिसाब से हम दे रहे 4000 रुपये की। 4000 रुपये की घुमाएँ इसके पास। अच्छा ये बताइएगा कि अभी अंडे वगैरह दे रही है ये? जी अंडे बिल्कुल दे दिए, और उसके अलावा कोड़क वगैरह भी ये होती है मुर्गी। अच्छा ये बताएं नस्ल कौन सी है? ये जागीरी में से। जागीरी नस्ल जी है। तो अभी एज क्या? अच्छा ये बताएं ये जो बने हुए पैटर्न, ये कुदरती है या? हाँ ये इनकी नस्ल में होते हैं, ये खाकी नस्ल इसको कहते हैं, उसमें ये होता है। नहीं मार्केट में अक्सर चीटिंग होती है ना, लोग करके भी ले आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल जी, बिल्कुल ओरिजिनल है। इस चीज़ की गारंटी है? जी जी बिल्कुल 100%। कोई शक हो किसी को तो आके चेक भी कर सकते हो। फाइनल कितने तक में दे देंगे? फाइनल तकरीबन ये हमारा जहन है 3500 रुपये का देने का। ठीक है, नाम बताएं अपना। अहमद रज़ा। कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। 03171200981। चलें बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे साथ एक व्यूवर मौजूद हैं, कराची एनिमल टीवी के नाम से इन्होंने चैनल बनाया है, और ये भी बर्ड्स वगैरह की कवरेज कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप बर्ड्स वगैरह की कवरेज करें, जो यंग लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, और भी फील्ड्स हैं जैसे टेक्नोलॉजी की है, और जो आपको सूटेबल लगे फील्ड वो सेलेक्ट करें, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्रिएटिव वीडियो बनाते रहें। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आपसे बहुत खुशी हुई मिलके, मैं आपको देख रहा था काफ़ी देर से, आप इंटरव्यू ले रहे थे।
तो ये बताएं, आपने ये चैनल बनाने का आइडिया कहाँ से आया? मैं आपकी वीडियो देखता था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। मैं यानी कि आप टेक्निकल सदर मार्केट की बना बर्ड्स मार्केट की लालू खेत की, आप कब 2-3 साल हो गए आपको देखते हुए ना, तो आपने कैमराज वगैरह की वीडियो बनाई, तो मेरी यानी कि एक कोशिश थी और एक शौक़ था जो मैं स्टार्ट करूँ वीडियो आपको देख के और आपको आपसे सीखे मैं इंशाल्लाह यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर। ऐसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है और इंशाल्लाह यानी कि आपकी वीडियो देख के ऐसा ऐसा ग्रो करेंगे। तो आप वाकिफ हो गए होंगे किन मुश्किल से गुजरना पड़ता है? बहुत मुश्किल से, वाकई में बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं बता नहीं सकता। धूप में हम निकले होते हैं, हमें नहीं पता होता कि यार कोई हमारे चैनल को देखेगा नहीं देखेगा, और सामने बैठे ऐसे सोच रहे होते हैं कि यार ये बहुत आसान है, बहुत यानी कि नॉर्मल चीज़ है बनाना, लेकिन इसलिए चलना फिरना दूर जाना बहुत मेहनत है मेरे लिए। तो मसल अकेला मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला कभी ना कभी चला ही देगा। हमें अल्लाह ताला आगे बढ़ाए। और व्यूवर्स, आपने देखा कि फील्ड कोई भी आप सिलेक्ट करें आसान नहीं होती, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस तरीके के जो भी हमारे व्यूवर्स आगे बढ़ना चाहते हैं हम अपने वीडियो में शामिल करते हैं इन तमाम लोगों को और आगे प्रमोट भी करते हैं। जज़ाकअल्लाह, बहुत ठीक है, मेहरबानी। और कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज देना चाहूँगा कि यार अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट ज़रूर किया जाए, कि यार अगर कोई भी नया न्यू चैनल आता है उसको सपोर्ट करें, यानी ये नहीं देखा जाए कि यार वो देखा नहीं है कभी उसको, तो इसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। तो बाकी ये मैसेज है कि बाकी सब चैनल को सपोर्ट करें आप। मेरे हमारे चैनल से मुताल्लिक कुछ कहना चाहते हैं? माशाल्लाह से जमशेद भाई का चैनल मैं देख देख के ग्रो किया हूँ मैं, और मैं इंशाल्लाह आज इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जमशेद भाई बहुत मेहरबानी आप। ठीक है हज़रत, और हमारी कोई भी सपोर्ट चाहिए होगी आपको, हम हाज़िर हैं आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, जज़ाकअल्लाह लेता हूँ। ठीक है, मेहरबानी भाई, आप जैसे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद साहब, ये बताएं कि यहाँ पे जो पिजन लाए हैं आप, कितने कितने रेंज में, ये क्या डिमांड है इनकी? ये अलग अलग रेंज में जोड़ा है, ज़रा शिराजी का भी जोड़ा है 2500 रुपये का, 2000 का हो जाएगा। चले देख लेते हैं। शिराजी की मादा पड़ी हुई है, निकाल के ये जोड़ा पड़ा जाएगा आपको। ये पेयर है, ये कितने का है? ये 2000 का। 2000 का, और कोई 1500 रुपये ले? हाँ दे दें, दे देंगे। ये पट्टे थे या बड़े थे? ये बड़े, ये ज़रा शिराजी गंडेदार हैं। ये बताएं इसकी क्या डिमांड है? ये 2500 रुपये का। 2500 का, और ये भी बड़े हैं, यंग है या? बड़े हैं, यंग है। यंग है ये, 2000 का दे देंगे। 2000 का पेयर बता रहे हैं ये, के अलावा और भी हैं। ये वाला दिखा, ये कौन सा? ये लाल बल है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इसके परों पे जो रेड शेड आता है, इसकी वजह से इसको लाल बन कहा जाता है। तो ये भी पट्टा है, बड़ा है ये बड़ा है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये उन्नावी है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसके 1000 रुपये। और ये? ये 1500 रुपये का उन्नावी है। 1500 रुपये का ये। अच्छा, इसको गंडेदार होता है ना, ये लाल पर होते हैं। ये लाल पर होते हैं, और तो ये बता रहे गंडेदार होते हैं, लाल पर होते हैं, इसी वजह से इसको ये कहा जाता है। क्या कहते हैं? उन्नावी। उन्नावी कहा जाता है। ये चप है, इसके अलावा काली चप। काली चप कहलाती है ये। ये भी इसके परों के कलर की वजह से? हाँ, ये काला बाजू है ना इसका, चप है। इसकी क्या डिमांड है? ये 800 रुपये की है। 800 रुपये का ये यंग है या अभी पट्टा है? पट्टी मादा है। पट्टी मादा है। ये लो, ये सबद है, सबद शिराजी होता है ना वो है। ये भी पट्टी है? नहीं, ये बड़ी मादा है। बड़ी मादा है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसके 1000 रुपये। 1000 जी। यहाँ पे आपने फिंच भी रखी है? हाँ, ये ऑरेंज ब्रिस्टेड की मादा है। दोनों मादा है क्या? दोनों मादा है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? दोनों के 1000 रुपये। दोनों के 1000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके पास फिंच भी मौजूद है, कह रहे हैं ऑरेंज ब्रिस्टेड की फीमेल्स हैं, दोनों के 1000 रुपये डिमांड बता रहे हैं। अच्छा, आपने नाम बता दें? खालिद। कॉन्टेक्ट नंबर? 0345-800-5090। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इस टाइम हमें ये बर्ड नज़र आए हैं, तोते नज़र आए हैं, तो इसको भी कवरेज में डाल लेते हैं। जनाब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अशोक। तो ये बताएं, इसमें जो हम देख रहे हैं, ये पट्टे हैं या ब्रीडर पेयर हैं? ये ब्रीडर पेयर है। सारे सारे ब्रीडर पेयर सारे ब्रीडर हैं। तो रेट बताते जाएँ, कौन कौन से पेयर हैं इसमें? रेडिनो के जो है वो 2700 रुपये मांग रहा हूँ। ठीक है। अरबिनो के 500 रुपये। एल्बिनो ब्लैक आई है? ब्लैक आई है। और जो है ब्लैक मार्सिडीज़ के 2000 रुपये, और लबर्ड के भी 2000 रुपये। अच्छा, हाँ। और ये जो येलो, क्या नाम है? ये ब्लैक मार्सिड है। नहीं नहीं, ये वाला जो है ये चिप जिसमें खिलाता है अपना, फिशर में खिलाता है, फिशरी। हाँ।
इसके भी 2000 रुपये। 2000 रुपये जी। और एल्बिनो ब्लैक आई की आपने क्या डिमांड बताई? 5000 रुपये। 5000 रुपये ब्लैक आई की डिमांड बताई। ब्लैक आई सारे ब्रीडर पे आ रहे हैं? सारे ब्रीडर पे आ रहे हैं। ठीक है। ये बजरी है। कौन से कॉमन है? हाँ कॉमन नहीं है। क्या डिमांड है इनके? 500 रुपये तीनों के। 500 रुपये तीनों जी। तो व्यूवर्स यही नज़र आए बाज़ार में बर्ड्स जो पैरेट हैं वो यही नज़र आए हैं, तो ये कवरेज में शामिल कर लिया। अपना नाम बता दें। अशोक। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। 03111325499। चलें बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो व्यूवर्स काफ़ी गर्मी हो रही है कराची में, बारिश के बाद इतनी अचानक गर्मी हो गई है, तो काफ़ी चला है राउंड लगाए यहाँ पे मार्केट में अपडेट के लिए। तो थक गए, अब टाइम हो गया गन्ने के शरबत का, जनाब प्याज भी बुझा ली जाए। तो ये मशीन है जिससे ये लोग गन्ने का शरबत निकालते हैं, और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग इस मशीन के इस्तेमाल से गन्ने से शरबत निकालते हैं। शरबत हो गया तैयार, आप लोगों ने देखा यहाँ पे गन्ने का शरबत किस तरीके से कराची में तैयार किया जाता है। तो अब शरबत का टाइम हो गया, जनाब काफ़ी थक गए हैं। तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ इस कवरेज में आप तमाम व्यूवर्स को मज़ा आया होगा, और जो ब्रीड यहाँ पे मौजूद थी आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर की। और बात एक और बात शेयर करना चाहता हूँ आप तमाम व्यूवर्स से कि जनाब हम यहाँ पे कवरेज के लिए आते हैं, अपडेट देने आते हैं कि मार्केट के क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी ब्रीड मार्केट में मौजूद है। जब भी आप परचेजिंग करें तो इट्स अ कॉमन सेंस कि आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि मार्केट में हर तरीके के लोग आते हैं, जो हमें सही लगता है हम उसकी कवरेज करते हैं। लेकिन फिर भी आपने जब भी परचेजिंग कर रहे हो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत धोखेबाजी होती है। तो जब भी आप परचेजिंग करें तो ख़ास कर ख्याल रखें, सेटिस्फाई होकर फिर बर्ड खरीदें। तो ये बात मेंशन करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कवरेज आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आए होगी। इतनी मेहनत में बारिशों के बाद आप तमाम व्यूवर्स के लिए यहाँ पे आएँ, तो आप तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तमाम व्यूवर्स को मिलती रहेगी। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।